सांसद आजम खान एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर फंस गए हैं। दरअसल ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उन्होंने संसद में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनको निष्कासित करने की मांग उठने लग गई और इस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष की सारी महिला शक्ति इकट्ठी हो चुकी है और सब ने कड़ा रुख अपना लिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी महिला ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कड़े रुख में कहा कि मेरे 7 साल के संसदीय कार्यकाल में किसी पुरुष ने इस तरह की हिमाकत नहीं की। ये मामला न सिर्फ महिला से जुड़ा है बल्कि पूरे समाज से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को ये सदन शर्मसार हुआ और ये पूरे देश ने देखा। महिला किसी भी पक्ष की हो, किसी को महिला के अपमान का हक नहीं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद में आई थी तो हर किसी ने खुले दिल से मेरा स्वागत किया था, लेकिन अब जिस तरह की बात सामने आई है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदन में खड़ा होकर महिला के खिलाफ गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। आप स्पीकर से नहीं कह सकते कि मेरी आंखों में देखे। उन्होंने कहा कि सदन को एक साथ होकर इस पर फैसला लेना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश से सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी आजम खान के बयान की निंदा की। सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कल के बयान के बाद लोकतंत्र का मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले ने लोकसभा में कहा कि मैं उनके बयान की निंदा करती हूं। हमें इस तरह की भाषा का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर आज इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो आगे की पीढ़ियों को हम गलत मूल्य देंगे। हमें अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य और अच्छे उदाहरण रखने चाहिए और की शुरुआत हमें अपनी ओर से करनी चाहिए। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस तरह के बयान के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर महिला और चेयर का सम्मान करने के लिए बैठे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आजम खान महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में फंस चुके हैं। चुनाव से पहले भी आजम खान ने जया प्रदा को लेकर विवादित बयान दिया था और अब इन्होंने संसद की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।